हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम SBI कार्ड का जो IPO आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम कंपनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में इस कंपनी के फाइनेंशियल भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या इसकी इश्यू ओपन डेट होगी, क्या इसकी प्राइस बैंड होगी और भी डिटेल देखेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको SBI कार्ड के IPO के ऊपर फुल डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो आपको एक आइडिया है कैसी एक कंपनी है, कहाँ अप्लाई करना है वो सब। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके SBI कार्ड की जो कंपनी है उसकी डिटेल जानने। तो पहले हम पॉइंट देख ले, जो पहला पॉइंट है इसके लिए वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यू इन इंडिया। मतलब ये एक अच्छी कंपनी है, सेकंड नंबर पे आती है इंडिया में क्रेडिट कार्ड इश्यू में। बाद में क्या है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर एक्विजिशन कैपेबिलिटी है। बाद में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी करने में। बाद में इसके बाद का जो पॉइंट है, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड प्रमोटर। इसके पीछे एक SBI बड़ी ब्रांड खड़ी हुई है, प्रमोटर भी अच्छे हैं और क्या है कि एक अच्छी कंपनी भी है। बाद में क्या है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग, मतलब क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसके पास। बाद में क्या है कि एडवांस रिस्क मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है मॉडर्न एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये वर्क कर रही है। बाद में क्या है कि हाईली एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। मतलब जो एक कंपनी चल रही है उसके पीछे एक पहले तो एक बड़ी ब्रांड खड़ी हुई है। सो आपको एक क्या है कि मैनेजमेंट भी अच्छा मिलेगा और क्या है कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट मिलेगा। सो ये बात आपको आइडिया लगनी चाहिए किसी भी कंपनी IPO या इन्वेस्ट करो तो आपको इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो कंपनी कैसी है वो सब कुछ। अभी हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अभी हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर आ चुके हैं तो पहले हम टोटल एसेट देखेंगे। तो टोटल एसेट आप देख रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 2017 से 2018 में इंक्रीज हुआ, 2018 से 2019 में इंक्रीज हुआ और लास्ट क्वार्टर मार्च से दिसंबर में उसमें भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मतलब टोटल एसेट में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ईयर टू ईयर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो टोटल रिवेन्यू होता है। तो टोटल रिवेन्यू आप देखोगे 2017 में था उससे इंक्रीज होकर 2018 में हुआ, इससे इंक्रीज होकर 2019 में हुआ और हाल फिलहाल आपको इसमें क्या है कि एक इंक्रीज मोड में दिख रहा है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर है लास्ट दो, तो मोस्टली हम ईयर टू ईयर ही देखेंगे। सो आपको क्या है कि एक बेटर आइडिया है। तो ईयर टू ईयर आप टोटल रेवेन्यू देख रहे हो तो एक इंक्रीज मोड में दिख रहा है, जो भी इस कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। बाद में हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या होना चाहिए, ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए। तो 2017 से लेके 2018 में इंक्रीज हुआ, 2018 से लेके 2019 में इंक्रीज हुआ और लास्ट क्वार्टर में भी इंक्रीज ही है। तो आपको इसमें क्या है कि कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है फाइनेंशियल में, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये आपका IPO है बहुत ही सक्सेसफुल जाने वाला है और सभी लोग इस IPO का वेट कर रहे हैं, सभी को इसमें इन्वेस्ट करना है। सो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉर्मल कंपनी अच्छे, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड खड़ी हुई है और फाइनेंशियल भी अच्छे है। तो अभी हम देखते हैं कब ये ओपन होगा, कब ये क्लोज होगा, कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, किस प्राइस पे आ रहा है वो सब। तो अब हम आ चुके इस IPO के डिटेल जानने के लिए। तो सबसे पहले कि क्या है कि ये इश्यू ओपन कब होगा, तो ये इश्यू ओपन होगा 2 मार्च को, मतलब 2 मार्च को ये ओपन हो जाएगा सुबह से। बाद में ये क्लोज कब होगा, तो क्लोज होगा आपका 5 मार्च को, तो 5 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद ये कि ये इश्यू कौन सा टाइप है, तो बुक बिल्डिंग इश्यू है ये। बाद में प्राइस बैंड क्या रहेगी इस इश्यू की, तो प्राइस बैंड रहेगी 750 से लेकर 755 तक। बाद में एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट भी है, तो 15 रुपीज का एम्प्लॉय पर शेयर उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। बाद में देख लेते हैं मार्केट लोट, तो मार्केट लोट 19 शेयर का है। अगर आप रिटेल हो तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक लेके जा सकते हो और मिनिमम आपको 19 शेयर परचेस करने होंगे। बाद में कहां ये लिस्टिंग होगा, तो NSE एंड BSE दोनों पे ये लिस्ट होगा। बाद में एम्प्लॉयज के लिए 138 करोड़ का इसमें रिजर्वेशन है, ये डिस्काउंट के साथ वैल्यू आ रही है। बाद में SBI शेयर होल्डर के लिए कितना है, तो SBI शेयर होल्डर के लिए 985 करोड़। बाद में नेट ऑफर फॉर सेल कितने का है, तो 8728 करोड़ का नेट ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इश्यू कितने का है, तो 500 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। और टोटल इश्यू साइज कितनी होती है, तो टोटल इश्यू साइज होती है 10,351 करोड़।
तो ये था हमारी ओर से SBI कार्ड के IPO के ऊपर डिटेल। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, कैसी कंपनी है, कैसे इसके फाइनेंशियल है, कब आपको ओपन होगा, कब आपको क्लोज होगा और किस रेट पे आपको मिलेगा। सो आप अपना क्या है कि पैसा सब कुछ अरेंज करके रखो। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो मेरी ओर से ये हाँ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर भी मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा, मोस्टली मैं अप्लाई करूंगा इसमें, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।